ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहा है कार्बन डेटिंग की बात हुई लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग मुमकिन नहीं है हमने एक्सपर्ट से बात की ताकि पता तो चले कि वजूखाने खाने में गोलाकार आकृति शिवलिंग है या फिर फवारा कैसे पता चलेगा ये देखिए अगर हम किसी आकृति को या किसी शिवलिंग को या किसी पत्थर को या किसी के बारे में ये पता करना चाहते हैं कि वो कितनी पुरानी है तो विज्ञान क्या कहता है किस तरीके से आप लोग इस चीज को पता करते हैं देखिए वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं उनको जांचने से पहले एक पुरातत्ववे सबसे पहले ये करता है कि रिलेटिव जो डेटिंग है उसको जो है महत्व देता है रिलेटिव डेटिंग का मतलब ये हो गया कि उस पीरियड से रिलेटेड अगर कोई भी अदर कोई एविडेंसेस मिलते हैं तो उन एविडेंसेस के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इस पीरियड का अगर और कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह अगर वैसे एविडेंस मिलें तो उससे कोरिलेट करा जा सकता है कि ये ये भी इसी पीरियड का कोई एविडेंस रहा होगा जी। अच्छा इसमें क्या ये तरीका होता है कि जैसे एक तो कार्बन डेटिंग के जरिए हम लोग पता करते हैं कि आखिर ये कितनी पुरानी कृति है क्या इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं और भी कुछ तरीके होते हैं जिससे पता किया सकता है कि ये पत्थर या कोई शिवलिंग या कोई भी स्ट्रक्चर कितना पुराना है हाँ वो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे रिलेटिव डेटिंग जो होती है वो उसकी बनावट पे और किस तरीके की आकृति बनाई गई थी और कई बार जो है थर्मल इफेक्ट भी होते हैं यानी हीट का जो इफेक्ट होता है उसको भी नाप उसको भी माप करा जाता है उसे थर्मोल्यूमिनीसेंस कहते हैं थर्मोल्यूमिनीसेंस वाली डेटिंग है उससे भी किया जा सकता है कार्बन डेटिंग के अलावा और भी बहुत सारी डेटिंग के तरीके हैं लेकिन कार्बन डेटिंग में जो है पाँच साल पुराना जो है और उससे पुराना साठ साल तक हम जो है पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो है पत्थर या कलाकृत कितनी पुरानी है अच्छा किसी स्ट्रक्चर में मान लीजिए दो तीन बार फेर बदल किया गया है तो क्या डेटिंग से ये पता किया सकता है कि इस स्ट्रक्चर में कब कब किस किस साल में या कितने पीरियड में जो है वो कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है देखिए आ... अगर पूरी कलाकृति को जो है एक बार ही गर्म किया गया है तो थर्मोलिमिनेशन से फिर उसे पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर दो या तीन बार उसको जो है हीट प्रोसेस से निकाला गया है तो वहाँ जो है फिर हम उसकी कोरिलेट करते हैं अलग अलग लेयर्स जो है उसको चेक करते हैं और फिर वहाँ फिर कोर जब रिलेटिव डेटिंग जो है फिर वहाँ भी काम करती है कि अगर उस पीरियड से रिलेटेड कोई अगर कुछ और एविडेंसेज मिल रहे हैं तो रिलेटिव डेटिंग ही हम जो है प्रीफर करते हैं अच्छा इसमें ये क्लियर हो जाता है कि आखिर किस स्ट्रक्चर में कब उसमें परिवर्तन किया गया है और क्या स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया गया है तो उस आधार पर लेयर्स के जरिए ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस समय कितने अंतराल में कब का परिवर्तन करने का प्रयास किया गया हाँ अगर लेयर जो है अलग अलग समय पे की गई है और उस वो डिफरेंस भी काफी बड़ा अगर डिफरेंस है कई सौ साल का डिफरेंस है तो वो डिफरेंस पता लगाया जा सकता है क्योंकि समय के साथ साथ जो है कलाकृति बनाने के तरीके भी बदल जाते हैं